दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव की। बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे बुधदेव। 13 नवंबर 2022 को वृश्चिक में बुध का प्रवेश होगा। 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक लगभग 19-20 दिन इनका गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। बुध के गोचर का प्रभाव जानेंगे, 12 राशियों पर कैसा प्रभाव बुध देव करेंगे और कैसा फल आपको मिलेगा। आपके लिए जो कि बुध ज्ञान के तर्क के कारक होते हैं, बुध के जो कारकत्व की स्थिति है उससे क्या क्या फल आपको मिलने वाले हैं, खास करके अगर वाणी से संचालित कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, बिजनेस व्यापार की स्थिति, आपके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति, प्योर जो एकदम ट्रू लव लाइफ होती है, आपका जो सच्चा प्यार होता है उसकी स्थिति क्या होने वाली है, क्या झूठ पकड़े जाने वाले हैं आपके पार्टनर के, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी जो आपकी राशि के अनुसार आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों बुध के गोचर में सबसे पहली स्थिति बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो बुध आपकी राशि से अष्टमस्त होंगे वृश्चिक राशि, इसलिए सबसे पहला आपके लिए अगर किसी प्रकार से आप डॉक्टर इत्यादि हैं, सर्जन हैं, वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत खास बनती हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आपके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर आपको धन लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी इस कार्य में। अगर आप किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको, साइंटिस्ट हैं वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो भी धन लाभ बहुत अधिक होगा, यहाँ पर आपके लिए बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा खास बन जाएगी। वाणी से संचालित कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको उन्नति मिलेगी। अगर मीडिया की लाइन से हैं या किसी प्रकार से राइटर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए खास बन जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लाभ यह समय देने वाला है। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द लाखों करोड़ों का लाभ आपको मिल जाए, तो बहुत सारी स्थितियों में ये 20 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। खास करके ऐसा कार्य, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के, अपने देश के, किसी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर देख रहे हैं आप, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपका ही नहीं बल्कि देश का, परिवार का, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। कुछ ऐसा आविष्कार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। लव लाइफ, अफेयर लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके द्वारा झूठ बोले जाएंगे, झूठ पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जितने झूठ इस बीच में बोलेंगे वो आपकी लव लाइफ को 100% बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं और नेगेटिव प्रभावित करेंगे, इसलिए आपकी वाणी में सत्यता नहीं होगी, झूठ बहुत बोलेंगे, लेकिन उन झूठ का कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग, मतलब अपनी वाणी का, जो कोई भरोसा कर रहा है उसका विश्वासघात मत कीजिए, उसका भरोसा तोड़िए मत। आपकी बहुत बार ऐसी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना करें लेकिन फिर भी हो जाएगा, तो इसमें बहुत अपनी कोशिश जारी रखिएगा कि किसी प्रकार से अगर कोई ज़्यादा हम पर भरोसा कर रहा है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी ने थमा दिए कि लव साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों पर थोड़ा गौर रखना है, बाकी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि बुध का गोचर सप्तमस्त, आपको पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। मैरिड लाइफ में आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड झूठ बहुत बोलेंगे, आपके लिए व्यापार अच्छा है, व्यापार के साथ साथ आपको लव लाइफ में शादी का जिक्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे अपने रिलेशनशिप में, या अपना पास्ट जहाँ आप छोड़ के आए थे अपने पास्ट की बातें आपके पार्टनर आपको बोलने लगेंगे, बहुत सारे जुल्म आपको सहने पड़ेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। खास करके आप अगर बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में बहुत दिनों से इन्वॉल्व हैं और बहुत सीरियस हैं, खास करके आप बहुत इमोशनल हैं, तब आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे आप अगर
इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, नतीजा बहुत कम निकल के आएगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों कर्ज से परेशान हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में लगाया पैसा डूब जाएगा। बुध आपको हर तरीके से आपका जो पैसा रिजर्व आप रख रखा है, आपने सेविंग्स जो की हैं वो खत्म कर देगा, पैसा लॉस में जाएगा। हर जगह जहां निवेश करेंगे वहां बर्बादी पाएंगे, आप एक लगाएंगे तो चवन्नी भी नहीं बचेगी। तो बहुत ज़्यादा यहां पर विदेश से संबंधित धन लाभ जो हो रहा था उसमें भी कमी आ जाएगी। अगर आपका कोई वीजा पासपोर्ट से संबंधित कार्य अटका हुआ है तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा। अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर आपको शत्रुओं से सावधान रहना है, कोर्ट कचहरी के कार्य में नहीं पड़ना है, खास करके किसी भी प्रकार से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों आपके लिए देखा जाए बुध पंचमस्त होकर के आपको धन लाभ कराएंगे, लव लाइफ बहुत अच्छी बनाएंगे और आपके पार्टनर का भरोसा आपके प्रति बढ़ जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, कोई सिविल सेवा इत्यादि किसी प्रकार का कोई एग्जाम है, कोई बड़ी अधिकारी बनना चाहते हैं, खास करके अगर महिला हैं और अधिकारी बनना चाहते हैं लेडीज हैं, वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, उन्नतिदायक बन रही हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों इमोशनल होकर के बहुत गलत डिसीजन लेंगे जिससे अपनी प्रॉपर्टी अपना बहुत धन बर्बाद कर लेंगे। आपके लिए बुध का गोचर आपके करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अगर आप प्रमोशन ट्रांसफर इत्यादि में प्रयासरत हैं वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा अटकता हुआ नजर आएगा, परेशानी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इस बुध के गोचर से आपको एक चीज़ में विशेष लाभ होगा, आपकी लव लाइफ। लव लाइफ में अगर प्रैक्टिकल होंगे तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी और बहुत ज़्यादा पार्टनर का प्यार सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना, वहाँ पे आप सब कुछ हार जाएंगे, ये स्थिति। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों आपके लिए देखा जाए बुध का गोचर तृतीयस्थ आपको हर तरीके से संपन्न बनाएगा, मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत का फल जरूरत से ज़्यादा मिलेगा, खूब खुशखबरी मिलेगी और रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट विदेश से संबंधित धन लाभ इत्यादि आपको होते रहेंगे और आश्चर्यजनक आपको लाभ होंगे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों द्वितीयस्थ बुध आपके लिए धन लाभ कराएगा। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट इत्यादि मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वहां पर आपको धन लाभ होगा, प्रमोशन होगा, तरक्की मिलेगी, हर तरीके से उन्नति प्राप्त करेंगे। परिवार का कोई बड़ा कार्य आपका हो सकता है, पारिवारिक कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रिलेशनशिप में झूठ बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे, आपके पार्टनर बोलेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ठगने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इस तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे बहुत सच्चे हैं लेकिन दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों आपके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, धन का निवेश जहाँ करेंगे पैसा डूब जाएगा, कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जिसे पैसा दे देंगे वो वापस देगा नहीं। इस गोचर काल में सबसे ज़्यादा रोग इत्यादि से परेशान रहेंगे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी और बहुत ज़्यादा मन अशांत रहेगा। विदेश से संबंधित धन लाभ में भी कमी आ जाएगी और मेहनत भी आपसे नहीं हो पाएगी, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों आपके लिए देखा जाए बुध का गोचर आपको धन लाभ कराएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बच्चों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बच्चों के धन में लाभ होगा, बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और सबसे ज़्यादा लाभ लव लाइफ में होने वाला है, रिलेशनशिप में होने वाला है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर बुध का गोचर दशमस्त है और दशमस्त बुध का गोचर आपके करियर में सफलता आपको देने की कोशिश करेगा, लगातार आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देंगे ये बुध और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए, अपने अधिकारियों अपने बड़े
कोई भी आपके परिवार में बुजुर्ग है या कोई व्यक्ति आपके एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा है, उससे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति है दोस्तों। यहाँ पर विशेष रूप से अगर आप मैरिड हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं, दिन आपका ये पूरा बुध का गोचर जो है वो सामान्य है, क्योंकि आपके लिए कोई स्थिति नहीं है, लेकिन विशेष रूप से जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, और आपकी मैरिड लाइफ में भी रिश्ते आपके सुधरने वाले हैं, जो बिगड़ गए थे रिश्ते वो सुधरने वाले हैं। धन लाभ होगा, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं या किसी प्रकार का व्यापार करते हैं वहाँ पर आपको धन लाभ होने वाला है। लेखक हैं इत्यादि, कवि हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बुध का गोचर काफ़ी लाभ कराने वाला है दोस्तों। यह था बुध राशि परिवर्तन प्रभाव। आपको अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।